हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइबो सॉक्स के नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में और जानेंगे फॉर एल्स स्टेटमेंट। साथ ही साथ हम देखेंगे हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स यूजिंग फॉर एल्स। बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके हमारे वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंटैक्स के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल एक्स इन, अब हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ द नंबर्स जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सपोज कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 9, 7, 6, 2, 5, ये हो गई हमारी सीरीज एंड देन कोलन, और फिर हम फॉर लूप के अंदर आ गए। अभी हम यहाँ पे इस नंबर को प्रिंट कर देते हैं, सो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और इसके हम यहाँ अंदर यहाँ पे जो है x को स्पेसिफाई कर देंगे। फिर इसे करेंगे सेव और फिर इसे रन करने के बाद हमारा आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दैट इज जो नंबर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए थे वो एक के बाद एक जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो गाइज, इस तरह से किसे हम फॉर लूप पाइथन में यूज कर सकते हैं। अगर हमें इस सीरीज के अलावा 1 to 9 नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं तो फिर ये तो फिजिबल मेथड नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है और वो है रेंज का फंक्शन। तो फिर इस रेंज के कीवर्ड से हमारा फंक्शन स्पेसिफाई होता है और इसके अंदर हमें जो है रेंज स्पेसिफाई करनी होती है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अभी हमें प्रोवाइड करनी है रेंज, तो हम कर दिया है यहाँ पे 5, दैट इज इट विल प्रिंट फॉर नंबर्स फ्रॉम 0 अप टू 5 बट नॉट इक्वल टू 5। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो है रेंज 5 तक नंबर प्रिंट करेगा लेकिन 5 को छोड़कर। तो फिर चलिए यहाँ पे हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 to 4 जो है नंबर प्रिंट हो चुके हैं एक्सक्लूडिंग 5। तो ये था हमारा फॉर लूप। सो गाइज, अगर मुझे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है 2 चाहिए, दैट इज मुझे चाहिए सीरीज फ्रॉम 2 अप टू 5, देन मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, दैट इज 2, एंड लास्ट इट इज फाइनल वैल्यू, दैट इज 5। जैसे ही हम इसे सेव करके रन करूंगा तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 2 से लेकर 5 तक जो है नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं एक्सक्लूडिंग 5। सपोज यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10 तक नंबर प्रिंट करते हैं, वो भी 2-2 के डिफरेंस से, यानी कि मुझे 2 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 6। हमारा पहला आउटपुट जो था वो कंटिन्यूसली था, यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली नहीं बल्कि 2-2 के डिफरेंस में चाहिए। तो फिर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिर से एक बार कॉमा, देन हमें यहाँ पे डिफरेंस जो है प्रोवाइड करना है, दैट इज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, देन हमें यहाँ पे आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, दैट इज 2 then 4 then 6 then 8, दैट इज अप टू 10 बट नॉट इक्वल्स टू 10। तो फिर ये था हमारा गाइस फॉर लूप और रेंज फंक्शन के बारे में। सो गाइस, ये तो हो गया फॉर लूप वाला पार्ट। अभी हम चलते हैं हमारे अगले कंटेंट की तरफ, दैट इज है फॉर विथ एल्स। जैसे कि हमारे प्रीवियस कंसेप्ट से अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर इफ वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है एक्सक्लूड किया जाता है, राइट गाइस। तो वैसा ही कुछ है हमारे इस पाइथन में भी, बस यहाँ पे माइनर चेंजेस है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिर हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं प्रिंट, देन अंदर कर्ली ब्रेसेस वी आर हियर राइटिंग एज इनसाइड एल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो फिर हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। देखा आपने, ये फॉर लूप का एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ तक, लेकिन साथ ही साथ इसने एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट कर दिया है। तो फिर ऐसा क्यों गाइस? तो यहाँ पे एक हमारा मास्टर कीवर्ड रोल प्ले करता है और वो है ब्रेक वाला पार्ट, राइट गाइस, ब्रेक वाला पार्ट। एक और कंडीशन ले लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 देन कोलन, फिर हमारा आएगा ब्रेक कीवर्ड। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, जैसे कि ये
एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, वैसे ही हमारा ब्रेक का पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही हमारा ब्रेक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा वैसे ही वो एल्स का पार्ट जो है स्किप कर देगा और आउटसाइड द फॉर लूप चला जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं आउटसाइड फॉर लूप कुछ स्टेटमेंट्स, ताकि हमें पता चलिए कि वो आउटसाइड द फॉर लूप आ चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आउटसाइड फॉर लूप। सो गाइस, हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं एक बार, दैट इज जैसे ही एक्स की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी ये ब्रेक स्टेटमेंट को हिट कर देगा, फिर ये एल्स स्टेटमेंट को है एक्सक्लूड कर देगा, और फिर फॉर लूप के बाहर जो कोड्स है उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। तो गाइस चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं, दैट इज जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 हो गई इसने ब्रेक कीवर्ड हिट किया, और ये ब्रेक कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये सीधा लूप से बाहर आ जाएगा और एल्स स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर देगा, और फिर जो आउटसाइड फॉर लूप है वो प्रिंट कर देगा, जैसे कि आउटसाइड फॉर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो गाइस चलिए मुड़ जाते हैं अब हमारे मिसेलिनियस क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स अप टू गिवन रेंज यूजिंग फॉर एल्स स्टेटमेंट। सो बिफोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम प्रोसेस, लेट्स गो एंड रीडिफाइन अवर प्राइम नंबर्स डेफिनेशन, जो कहती है कि अगर n को हम प्राइम नंबर तभी मान सकते हैं जब वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो पाएगा, जो कि एक है वो 1 और दूसरा है वो खुद। That is, अगर कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए, सपोज एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे 3 का, तो फिर 3 जो है 1 से पूरा डिविजिबल हो पाएगा और जो है अनदर वो 3 से डिविजिबल हो पाएगा। तो फिर ये था कुछ हमारा प्राइम नंबर का डिफिनेशन, इसे ही इस प्रोग्राम में यूज किया गया है, बस कुछ रिवर्स तरीके से। कैसे? तो चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले प्रोग्राम फ्लो। पहले हमने यहाँ पे एन में इनपुट एंड रेंज एंटर कर दी गई है, दैट इज इंटीजर टाइप में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर हमारा जो है फॉर लूप का स्टेटमेंट आ जाएगा, दैट इज फॉर एक्स इन रेंज 2 to n। यहाँ पे गौर कीजिए गाइस, दैट इज इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे 2 प्रोवाइड की गई है, या फिर हमने यहाँ पे इफ का पार्ट लिख दिया है, दैट इज इफ में कंडीशन डाली है, अगर एक्स एक से ऊपर हुआ तो ही ये हमारे नेक्स्ट दैट इज फॉर लूप के अंदर चला जाएगा, जो कहता है फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू एक्स, एंड देन इनसाइड फॉर लूप वी आर प्रोवाइडिंग एन इक्वेशन, दैट इज इफ एक्स मॉडुलस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 देन इट विल गोना हिट ब्रेक पार्ट एंड एक्सक्लूड एल्स पार्ट, else it will not execute this else statement and gonna execute this else part। तो फिर चलिए गाइस इस प्रोग्राम को हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, सपोज 5 का, अगर मुझे 5 को डिवाइड करना है पूरा, तो फिर हमें उसके लेस नंबर्स चाहिए, दैट इज 5, 4, अप टू 1 तक हम यहाँ पे 5 को डिवाइड कर सकते हैं, उससे ऊपर के नंबर से हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज 0 के पॉइंट में आंसर आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो फिर अभी प्राइम नंबर का डिफिनेशन कहता है कि या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो वो खुद से डिवाइड होगा, बाकी बीच में जो भी नंबर है उनसे वो डिवाइड नहीं होगा। दैट इज वैसा ही कुछ हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में किया है, इनिशियल वैल्यू जो है 2 कंसिडर की थी, दैट इज जो है नंबर कोई भी एंटर हो चुका है वो 1 से आगे का होगा, राइट गाइस, यानी कि वो हमारे प्रोग्राम में 1 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमने इंटीरियर जो है नंबर की रेंज के लिए आई का जो है कंसिडर किया है, दैट इज आई को जो है 2 से लेकर एक्स तक, यानी कि हम अगर हम 5 को एक्स माने तो 2 से लेकर 5 तक जो है आई की ये रेंज हो जाएगी, लेकिन याद रखिए 5 तक 5 नहीं, और जो जो नंबर्स जो है 5 को डिविजिबल होंगे तब तब बार ये ब्रेक को हिट कर देगा। तो फिर हमें इस यहाँ पे एक और एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, दैट इज एक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे 5, दे फिर आई की रेंज हो जाएगी फिर 2 से लेके 5 तक, और फिर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं आई की वैल्यू 2, पहले इनिशियल वैल्यू, दैट इज 5 मॉडुलस ऑफ 2,
दैट इज इक्वल टू जीरो आंसर नहीं आता है. दैट इज हमें पता है गाइस कि मॉडुलस साइन जो है रिमाइंडर रिटर्न करता है और 5 डिवाइडेड बाय 2 जो है 1 रिमाइंडर आता है जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए रिमाइंडर 0. फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी. फिर यहाँ पे अब आई हो जाएगा हमारा 3. 5 डिवाइडेड बाय 3 फिर से हमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिल पाता है. दैट इज फिर से यहाँ पे इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर ये चेक करेगा कंडीशन दैट इज इट इज लेस देन 5 यस देन इट विल गोना एग्जीक्यूट दैट इज 5 मॉडुलस ऑफ 4 इज विल नॉट इक्वल टू 0 thus it will not execute this elf for a part and then go towards the I and then increment value of I here I will become 5 then it will not suitable for our condition that is provided so it will go outside the for loop and execute this else wala part that is it will directly print as a 5. तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे नॉन प्राइम नंबर का. दैट इज हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 नंबर दैट इज x इज इक्वल टू 4 ये फिर i की रेंज क्या हो जाएगी फिर 2 से लेकर 4 तक यहाँ पे i की रेंज हो जाएगी. तो पहले हम ले लेते हैं i की वैल्यू 2 देन 4 इज मोर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 आता है क्या ये चेक करेगा. यस इट विल गो अंडर इफ ब्लॉक दैट इज इट विल गोना हिट ब्रेक स्टेटमेंट. एज सून एज इट विल हिट ब्रेक स्टेटमेंट इट विल स्किप दिस एल्स वाला पार्ट एंड देन गो इनसाइड दिस एक्सटीरियर फॉर लूप. x की वैल्यू जो है 1 से वो बढ़ा देगा दैट इज x हो जाएगा 5. दैट इज अगर कोई भी नॉन प्राइम नंबर हुआ तो वो फॉर लूप के अंदर जा पाए जाएगा और इस ब्रेक वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और जो है एल्स वाला पार्ट स्किप करके. आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ चुका होगा. तो चलिए इसे एक बार इसके रन करके देख लेते हैं. एंटर रेंज सपोज हमने यहाँ पे 10 प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 जो कि हमें चाहिए था आउटपुट वैसा ही मिल चुका है. तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और मैक्सिमम शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.